टेलीग्राम फेसबुक और यूट्यूब चैनल का लिंक भी दिया गया है मैं इसके बारे में सोच लूँगा कैसे इसको इंग्लिश में आप बोलेंगे मैं इसके बारे में सोच लूँगा कई बार क्या है उसी टाइम आप नहीं बता पाते इसके बारे में आप थोड़ा सा समय मांगते हैं तो इसको कैसे हम बोलेंगे आई विल थिंक ओवर इट आई विल थिंक ओवर इट थिंक जो है एक मॉडल अक्जरी वर्ब है जिसके बाद आप बेस फॉर्म वी का प्रयोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हर चीज़ का वक्त होता है आपका भी वक्त आएगा आप लगातार कंटिन्यूसली मेहनत करते रहिए अच्छे एफर्ट करते रहिए और डेडिकेटेड होकर के सिंसियर तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी आप करते रहेंगे तो आपका भी अच्छा समय आएगा हर चीज़ का वक्त होता है कैसे आप बोलेंगे देर इज अ टाइम फॉर एवरी थिंग देर इज़ अ टाइम फॉर एवरी थिंग हर बात हर समय जो भी है हर चीज़ का एक समय होता है ये सेकंड था फाइव सेंटेंसेस हम हर रोज सीख रहे हैं सिक्स पार्ट में आप थर्टी क्वेश्चन सीख चुके हैं और आज ये पार्ट है हमारा इसी प्रकार से आप ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश भी करते रहिए क्या आपने सुना क्या आपको सुनाई दिया क्या आपने सुना डिड यू हियर डिड यू के स्टार्टिंग हम जो है हेल्पिंग वर्ब से करते हैं किससे हेल्पिंग वर्ब से उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद

तो विच वन डू यू वॉन्ट विच वन डू यू वॉन्ट कौन सा आपको चाहिए है तो इस प्रकार से स्पोकन इंग्लिश को आप इंप्रूव कर सकते हैं आप डेली लाइफ में जो बोले जाने वाले सेंटेंसेस को सीख सकते हैं और अपनी हैबिचुअल एक्टिविटीज़ को इंप्रूव करके थोड़ा सा अपने डेली लाइफ के रूटीन को बेहतर बना सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं तो और बेलाइकन को जरूर प्रेस करें आज के लिए इतना ही थैंक्स डियर लर्नर्स गुड बाय